हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस 12 जून की करंट अफेयर्स फटाफट देख लेते हैं हम लोग। और पहले क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने टेलीग्राम बॉक्स में शेयर किए थे आपको, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हम लोग की क्या कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज विच इज प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है जो कि 12 टेस्ट है 100 क्वेश्चंस की, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन, और प्रीलिम्स स्पेशल है ये 2020 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आज की है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। यहां पर बोला गया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिस पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क बेस्ड होती है। तो देखिए ये बेस्ड होती है 5 पैरामीटर पे, वो 5 पैरामीटर होते हैं, एक तो टीचिंग होती है, साथ ही साथ होती है टीचिंग एंड रिसोर्स से रिलेटेड, फिर रिसर्च एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड होती है, प्लेसमेंट नहीं ग्रेजुएट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 1, 4 एंड 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यस वन मोर थिंग, रिसर्च पेपर एंड पेटेंट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर 1, 3, 4, 7 ये आ जाएगा आंसर। इसके अलावा अगर दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें NIRF के बारे में ही, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले है कि ये अप्रूव किया था MHRD के द्वारा 2015 में, बिल्कुल सही है, इनफैक्ट ये पब्लिश भी किया जा रहा होता है MHRD के द्वारा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NIRF रैंकिंग कौन निकालता है, तो आप बता देंगे MHRD निकालती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी डिटेल दिए गए हैं, फ्रेमवर्क आउटलाइन मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, द मेथोडोलॉजी ड्रॉ फ्रॉम द ओवरऑल रिकमेंडेशन ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग अंडर, ये सब चीजें जो लिखी हुई है करेक्ट स्टेटमेंट अगेन है। यहाँ पर पढ़ करके आप लोग जाएगा, दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दी जा रही है और ये गलत नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको देखनी होती है वो मैं बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ पर आपको देखना होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमेशा दो, मतलब बेसिकली दो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, जहां पर बेसिकली दो सेंटेंस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो जनरली होता क्या है कि एक स्टेटमेंट गलत होती है, दूसरी स्टेटमेंट सही होती है, इसलिए आपको पूरा स्टेटमेंट कंप्लीटली पढ़ना है 100% श्योरिटी के साथ, एक स्टेटमेंट वहां पर आपको गलत मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आपको हमेशा ईयर चेक करना है, जैसे यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो आपको हमेशा चेक करना है। तीसरी चीज आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में पब्लिश और प्रिपेयर दो चीजें लिखी हुई हैं, दोनों को इंडिविजुअली चेक करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता था कि NIRF आर बींग प्रिपेयर्ड बाई MHRD एंड पब्लिश्ड बाई सम अदर मिनिस्ट्री, ठीक है, तो हमेशा उसको देखना है कि पब्लिश और प्रिपेयर क्या है। चौथा, आपको देखना होता है ऑप्शंस पहले, तो ऑप्शंस भी एक बार देखेंगे आप कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने से आपका दिमाग काम नहीं करता और गलत इंटरप्रिटेशन के साथ में आप गलत आंसर मार कर देते हैं, इसलिए आंसर भी आपको चेक करना है, ऑप्शन भी चेक करना है। फिर उसके बाद से अगेन गो टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे जाने के बाद फिर आप ऑप्शन मार करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक तरीके होते हैं जिससे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को गेट थ्रू होने में आसानी होगी। तो ये सारे थोड़े से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए खैर, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, मैं टेलीग्राम पे देख रहा था कि सारे लोग आंसर्स, तो चलिए ठीक है, जो लोग देते हैं वो तो देते हैं, बट आप आंसर दीजिए तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब आप अपने मन से मत करिए, थोड़ा सा आप उसमें मतलब ढंग से पढ़ करके फिर दीजिए आंसर्स वगैरह। मेक इट लाइक यू आर गिविंग अ एग्जाम, आप जो होता है करंट अफेयर्स का रोज एक एग्जाम दे रहे हैं जिससे आपको हेल्प मिल रही है। इन सारे क्वेश्चन से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में, देख सकते हैं आप जब एग्जाम देंगे तब आपको फर्क दिखेगा। खैर, NIRF के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए ये पूरी की पूरी वो लिस्ट है जहां पर ओवरऑल सेक्टर में अगर बात करें तो IIT मद्रास, ISC एंड देन IIT दिल्ली, ये सब जो होता है इंस्टीट्यूट जो है टॉप रैंकिंग्स में है। यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं ISC है, फिर JNU है, फिर BHU है, टॉप 10 में इस बार जामिया मिलिया भी आ गई है। कॉलेज में अगर बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, फिर उसके बाद LSR आ गई है, हिंदू है, स्टीफेंस है। मेडिकल में ऑब्वियसली एम्स पहले होगी ही होगी, ठीक है। बाकी इसके बाद जो होता है और भी इंजीनियरिंग सेक्टर में आप आ सकते हैं, तो IIT मद्रास, फिर दिल्ली। IIT मद्रास में एक्चुअली क्या है, बहुत सारी रिसर्च हुई है इस साल। रिसर्च के नाम मैं डायरेक्टली आपको गिनवा सकता हूँ, जैसे एक माइक्रोचिप बनाई गई थी, इसके अलावा अभी रिसेंट में PPE किट वगैरह भी डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मद्रास ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के भी काफी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक साइंस में इस समय काफी ज्यादा वर्क कर रही है, तो काफी ज्यादा इस समय ये रिसर्च वर्क में ध्यान दे रहा है।
आईआईटी दिल्ली में क्या होती है कि मेनली यहाँ पर जो फोकस होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन रहे होते हैं, तो इस वजह से ये रैंकिंग भी जो होती है वो आ जा रही होती है। कानपुर की रैंकिंग पुअर इसलिए चली जाती है बिकॉज दिस इज बेसिकली एकेडमिक बेस्ड, ये एकेडमिक बेस्ड होती है, यहाँ पर रिसर्च वर्क पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर जो रिसर्च होती है वो पेटेंट बेस्ड होती है, मतलब ये एकेडमिक रिसर्च होती है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस्ड रिसर्च हो रही है कि मार्केट में क्या चीज की जरूरत है। और आईटीडी में आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड होती है, तो इस वजह से ये सब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। बाकी आप मैनेजमेंट में देख ही सकते हैं आईएमए हमेशा टॉप पे रहता है, आईएम बैंगलोर होती है, फिर कलकत्ता होती है, इस तरीके से। लॉ यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि एनएलयू पहले आ जाती है, एनएलयू नालसा पहले बैंगलोर की आ जाती है, फिर उसके बाद से एनएलयू दिल्ली की आ जाती है, इस तरीके से ये रैंकिंग है। बट हालांकि जो होता है इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक प्राउड फीलिंग होगा आपको अपने कंट्री को लेकर के, और अगर इन इंस्टीट्यूट से अगर आप हैं तो ऑब्वियसली प्राउड तो होगा ही। इसके अलावा देखिए ये बेसिकली वो क्लिपिंग है जो न्यूज़ की है, जहां बेसिकली ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आई हुई थी। अगेन ये यहां पर आप कुछ खास यहां पर इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, आपको बेसिकली याद रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको पूछ दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद रेसिज्म। रेसिज्म को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा न्यूज बन रही है, तो यहां पर रेसिज्म से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साइन की गई थी 1965 में, और इफेक्टेड मतलब कि ये इंप्लीमेंट हुई थी 1969 से लेकर के। साइंड और इफेक्टेड में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि साइंड का मतलब ये होता है जहां पर ये बेसिकली प्रपोजल रखा जाता है और जितने भी कंट्री वाले लोग होते हैं वो लोग साइन करके चले जाते हैं, लेकिन साइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि ये इंप्लीमेंट हो गया, बिकॉज हर एक कंट्री को अपने अपने कंट्री में जा करके रेटिफाई कराना होता है। रेटिफाई कराने का मतलब कि दोज हु आर डेमोक्रेसी, उनको जो होता है जनता से, या फिर कह लीजिए कि जो भी जनता का, जो भी पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन होता है उससे पास कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जो रेटिफिकेशन दी जा रही होती है वो दी जाती है केवल और केवल कैबिनेट के मंजूरी से। कैबिनेट ने अगर बोल दिया कि हाँ ठीक है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीआईबी में अगले दिन आपको छप जाएगा और इंडिया कह देगा कि आई एम द सिग्नेटरी ऑफ दिस जो भी कन्वेंशन है। इसके अलावा अगर यूएस में बात करते हैं तो यूएस में पार्लियामेंट से होती है, पार्लियामेंट से हो रही होती है, ठीक है। यूके में भी जो होता है इसी तरीके से पार्लियामेंट से हो रही होती है, तो ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट मतलब यहां पर सीनेट होती है। तो ये रेटिफिकेशन की टेक्निक्स होती हैं, अगेन इस पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें हम लोग इस कन्वेंशन के बारे में तो कन्वेंशन यूएनएसएसआर के द्वारा लाया गया था बिल्कुल 1965 में, इनफैक्ट इसकी शुरुआत 1960s से ही शुरू हो गई थी, बट 65 में कन्वेंशन लाया गया था। इंडिया इज नॉट अ पार्टी, इंडिया इज एक्चुअली अ पार्टी, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इंडिया इज अ पार्टी, इंडिया शुरुआती दिनों से ही पार्टी बना हुआ है। इनफैक्ट आप बहुत आराम से गेस भी कर सकते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कभी भी इंडिया नहीं लेकर के आएगा, बिकॉज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 में ही लिखा हुआ है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, और वो भी पांचों पॉइंट लिखे गए हैं, बर्थ, जेंडर, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, तो पांचों फॉर्म में हम नहीं करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 15 में भी 16 में भी सेम चीज कही गई है अलग अलग तरीके से, ठीक है। बाकी उसके बाद जो होता है यहाँ पर कन्वेंशन कमिट्स इट्स मेंबर टू इलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यहाँ पर भी कन्वेंशन कवर्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में अगर देखी जाए तो देखिए रेसिज्म इज बेसिकली यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि यूएनएससीआर के द्वारा लाई गई थी, इंडिया इसकी पार्टी है, रेटिफाई करके रखा है, और बाकी इसका जो फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म, हर एक कंट्री मेंबर को बोला गया है कि आप इसको करिएगा। एंड द कन्वेंशन ऑल्सो कवर्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यस दिस कवर्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी रेसिज्म के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स रिलेटेड, ये एक्चुअली WTO की अफेयर है एंड दिस इज बेसिकली द बेसिक क्वेश्चन, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली न्यूज ये है कि कुछ इंडियन कंपनीज को यूएस ने मतलब FIR कर दिया है, एंड FIR का रीजन बताया जा रहा है जो ट्रेड प्रैक्टिस इन लोगों ने अपनाया हुआ है जेनरिक ड्रग के नाम पे, उस जेनरिक ड्रग के कारण से लोकल मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेड प्रॉब्लम्स आ रही है, और इस वजह से अगेन इनको WTO नॉर्म के बेसिस पे ही इनके ऊपर FIR किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरीके के बॉक्सेस होते हैं, तीन तरीके के ट्रेड प्रैक्टिस होती है जिसको बोला जाता है, एक तो होती है रेड बॉक्स होती है, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्बर बॉक्स, दूसरी होती है जो ब्लू बॉक्स होती है, और तीसरी होती है जो ग्रीन बॉक्स होती है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं, तीनों के बारे में मैं दो मिनट में फटाफट बता देता हूँ क्या चीज है।
रेड बॉक्स जो होती है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, और यहां पर बेसिकली सब्सिडीज के बारे में बात की जाती है कि जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसके कारण से मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण से ट्रेड प्रैक्टिस डिस्टॉर्ट हो रही होती है। ब्लू बॉक्स होती है जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है लेकिन कुछ खास डिस्टॉर्टिंग नहीं होती है, चल जाता है। जैसे जैसे कि कई सारे इंश्योरेंसेस वगैरह दिए जा रहे होते हैं तो ये जो है ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आ जाती है। वही ग्रीन बॉक्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग बिल्कुल नहीं होता है, ये गुड प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। गुड प्रैक्टिस के अंतर्गत का मतलब हो गया जैसे कह लीजिए इरिगेशन बेनिफिट्स दे देना, HYV सीड को लेकर के दे देना, तो ये होती है बिफोर सोइंग सीजन जो भी आप दे रहे हैं या ड्यूरिंग सोइंग सीजन जो भी आप दे रहे हैं सब्सिडीज उसमें आ जाती है, जबकि MSP वगैरह ये चली आ रही होती है आपकी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो ये हो जाती है। आगे क्वेश्चन बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के क्वेश्चन था, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कर लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स इसी तरीके से होती हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं शुरुआती दिनों में तो ये केवल जस्ट लाइक SHG ही काम कर रही होती थी, लेकिन बाद में इसको 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर आर बी मॉनिटर्ड बाई RBI, यस RBI के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। इसके अलावा कई और भी बॉडीज होती है जो अलग अलग लोगों के द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। जैसे मैं एक रेगुलेटरी के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं। तो एक तो होती है RBI जो सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर को देख रही होती है, तो फाइनेंशियल मैटर जैसे बैंकिंग एक्टिविटी। दूसरी होती है जो SEBI होती है, SEBI देख रही होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बेसिकली शेयर्स देखे जा रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह देखे जा रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। साथ ही साथ यहीं पर कमोडिटी मार्केट भी देखी जाती है जो कि पहले FRC फॉरवर्ड रेगुलेटरी मार्केट के द्वारा देखी जाती थी, तो वो भी अब कमोडिटी ट्रांजेक्शन इसी में कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होती है PFRDA, तो ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड को लेकर के होता है, ये प्रोविडेंट फंड बेसिकली ये देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद से IRDAI, ये होती है जो इंश्योरेंस को देख रही होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी होती है। तो ये कुछ कह लीजिए कि रेगुलेटरी बॉडीज है और इसके बारे में आपको बहुत ही क्लियर नॉलेज होनी चाहिए क्या कुछ है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात करें, दे हैव टू मेंटेन सेम एज बैंक RBI रेगुलेशन। बिल्कुल सही है, इनको भी CRR और SLR मेंटेन करना होता है और RBI इसके बारे में लगातार न्यूज निकालती रहती है, इनको बताती रहती है। तो आंसर तीनों ही करेक्ट है, ऑल द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है बेसिकली कि अभी रिसेंट में RBI ने कानपुर की एक बैंक थी कोऑपरेटिव बैंक जिसका नाम था पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, उसको उसके ऊपर में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। तो न्यूज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको मेन क्लैरिटी जरूर होना चाहिए कि आखिर में इस कोऑपरेटिव बैंक का फंडा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और मैं देख रहा था कोई आंसर नहीं दे रहा है इसमें। देखिए इसमें है क्या, इंक्रीज इन विच ऑफ वन इज गुड। जैसे क्या होता है कि एक होती है हमारी जो क्रेडिट टू GDP रेशियो होती है, क्रेडिट टू GDP रेशियो, और दूसरी होती है जो डेप्ट टू GDP रेशियो होती है। क्रेडिट टू GDP रेशियो देखिए जितना हायर होगा उतना अच्छा रहेगा, मतलब इनफैक्ट 100% भी रहेगा, तो इट इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज क्रेडिट इज काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली GDP जो होती है वो बढ़िया होती ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिट शुड बी मैक्सिमम, क्रेडिट जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू GDP, और ये काफी अच्छा होता है। जैसे क्रेडिट में आपकी FDI आ जाती है, FII आ जाती है, कभी भी डेप्ट को आप नहीं लेते हैं। डेप्ट का मतलब वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, ये सब नहीं। तो डेप्ट टू GDP क्या होती है, डेप्ट टू GDP ये आपको ज्यादा नहीं रखनी है, 40-60% के नियर अबाउट में रखनी होती है डेवलपिंग कंट्री को। इनफैक्ट जो होता है जब NK सिंह कमेटी बनाई गई थी जिसने कह लीजिए कि FRBM एक्ट को वापस से अमेंड किया हुआ था, तो उसने बोला था कि डेप्ट टू GDP रेशियो को वी हैव टू मेक इट 40-60, ठीक है, इसके बीच में लेकर के आना है जो कि हमारी इकॉनमी के लिए सस्टेनेबल बनेगी। डेप्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, देयर विल बी हाई राइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए बेसिकली न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में मनीष सबरवाल साहब के द्वारा जो होता है एक इंटरव्यू दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्होंने यही बात की हुई थी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि क्रेडिट टू GDP रेशियो थ्रू 5 मेजर्स नीड मोर कंपटीशन इन द बैंक, और ये नियरली 100% रखने की बात इन्होंने कहीं पर की थी, वो आप देख सकते हैं कहीं पर किया होगा इन्होंने। चलिए खैर, तो ये थी बेसिकली न्यूज। नेक्स्ट आती है हमारी अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में कि किस रिवर पे बनाया गया। देखिए बेसिकली रिवर पे बनाया गया है पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरी, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ये। इसके बारे में अगर डिटेल के बारे में बात करें तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो केरला का प्रोजेक्ट है,
और इसके लिए एक एनओसी दे दिया गया स्टेट को कि चलो ठीक है आप जो है अब जो भी आपका प्रपोज अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसको आप स्टार्ट कर दिए बनाना। प्रोजेक्ट के बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 163 मेगावाट है। आपको डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद करने की जरूरत है किस स्टेट में है, किस रिवर पे है। तो रिवर का नाम है ऑब्वियसली ये पेरियार की ट्रिब्यूटरी है और नाम है इसका चलाकुदी रिवर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको याद रखनी चाहिए। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट चीज किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन डेजर्ट चीज जो है बेसिकली वो एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन से रिलेटेड है। अभी राजस्थान में एंटी एस्पियोनेज के चक्कर में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस वजह से ये न्यूज में आ गई। तो दिस इज बेसिकली मिलिट्री इंटेलिजेंस इन अर्ली 90 इट सक्सेसफुली कल्मिनेट इन जून 2020 विद द अरेस्ट ऑफ टू मैन और इस तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत में ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।